एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज एक बहुत ही बड़ी अपडेट आपको बताने जा रही हूँ, जहाँ के बिहार के शिक्षा विभाग से एक खबर निकल के आई है। आज के न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देखा भी होगा, तो आज मैं वो आपको ब्रेकिंग न्यूज़ बताने जा रही हूँ, जिससे कि आप लोग का भी मन खुश हो जाएगा वो उस न्यूज़ को देख कर। तो चलिए मैं आपको न्यूज़ पर ले कर चलती हूँ। तो आज ये न्यूज़पेपर का कटिंग है, जिसमें कि बताया गया है कि शिक्षक भर्ती में प्लस टू के लिए नहीं मिल रहे हैं योग्य अभ्यर्थी। 11वीं 12वीं में 57,000 पत्र आवेदन, मात्र 38,000 अब FTET होगा। यहाँ से आपको पता चलता है कि 11 और 12 में 57,000 पद थे, लेकिन उसमें सिर्फ 38,000 फॉर्म फिल हुआ है, इसीलिए अब फिर से FTET यहाँ पर करवाया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या न्यूज़ में लिखा गया है। तो यहाँ देखिए, क्या 6 महीने में होगी सभी विषयों की पात्रता परीक्षा, यानी कि आने वाले 6 मंथ में क्या होगा, FTET की परीक्षा फिर से करवाई जाएगी। तो अब देखते हैं कि क्या क्या इसमें दिया गया है। आखिर FTET 2019 में हुआ था, तब शिक्षा विभाग ने विभिन्न विषयों में FTET आयोजित करने के लिए सीटों की संख्या के साथ प्रस्ताव दिया था। FTET 19 का रिजल्ट 2021 में जारी हुआ, सीटों की संख्या के आधार पर रिजल्ट निकला। जो मेरिट लिस्ट में थे उन्होंने मान लिया था कि वे हाई स्कूल के शिक्षक बनने के लिए चयनित हो चुके हैं। बाद में इस मामले में जब तूल पकड़ा तो सरकार ने निर्णय लिया कि FTET पात्रता परीक्षा है, इसमें निर्धारित न्यूनतम अंकों के साथ उत्तीर्ण लोग कक्षा 9 व 10 और कक्षा 11 व 12 में शिक्षक बनने के लिए आवेदन देने के लिए पात्र होंगे। इस मामले में शिक्षा विभाग के खूब फजीहत कराई थी, इस कारण से इस बार सीटों की संख्या नहीं दी गई है। पिछले बार क्या था कि उन्होंने बोला था कि जो FTET के बाद डायरेक्ट वो लोग ज्वाइनिंग देंगे, जो भी मेरिट लिस्ट में आएंगे उनको। लेकिन क्या हुआ, बाद में उन्होंने बोला था कि FTET मात्र एक पात्रता परीक्षा है, इसीलिए इस बार क्या किया है सरकार ने, सीटों की संख्या नहीं दी है। तो आपको भी, जैसा कि आपको भी पता है कि FTET में दो पेपर होते हैं, पेपर वन के उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी कक्षा 9 व 10 के शिक्षक बनते हैं, जबकि पेपर टू में उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी 11 और 12 के शिक्षक बनने के लिए पात्र माने जाते हैं। योग्यता FTET पेपर में वन में शामिल होने के लिए स्नातक से संबंधित विषय में 50% अंक के साथ BEd उत्तीर्ण होना चाहिए। पेपर टू के लिए स्नातकोत्तर में 50% अंक के साथ BEd पास होना चाहिए। FTET अत्यंत पिछड़ा वर्ग दिव्यांग और महिला को निर्धारित अंक में 5% की छूट मानी दी जाएगी, यानी कि सभी को 50% है, तो FTET पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग महिला को इसमें क्या है, 5% की छूट दी जाएगी। तो अब देखते हैं कि 2019 में जो FTET की परीक्षा हुआ था उसमें देखिए अंग्रेजी विषय की हुई थी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तो ये सारे के हुए थे, जिसमें पद क्या था, 5,055 पद थे। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और हिंदी में 3,000 थे, संस्कृत में 1,055 थे और उर्दू में 1,000 थे, जिसमें अभ्यर्थी 7,684 अभ्यर्थी थे, जिसमें से कि पास मात्र हुए थे 4,663 और गणित में 7,279। वहीं विज्ञान में 6,152, सामाजिक विज्ञान में 26,222, हिंदी में 4,721, संस्कृत में 1,779, उर्दू में 2,890। तो इतने सारे कैंडिडेट थे, जो पिछले बार 9 और 10 में 53,715 कैंडिडेट टोटल पास हुए थे। वहीं अगर उच्च माध्यमिक की बात करें तो अंग्रेजी में मात्र 2,693 स्टूडेंट पास हुए थे, गणित में 2,098, भौतिकी में 814, रसायन शास्त्र में 1,104, प्राणी शास्त्र में 2,074, वनस्पति शास्त्र में 816, कंप्यूटर साइंस में 17,034, वहीं मैथिली में 54, यानी टोटल 26,687 स्टूडेंट थे जो पास हुए थे। तो इसीलिए इस पर क्या हुआ कि 57 के बाद 2019 के बाद पात्रता परीक्षा नहीं हुई FTET की, इसीलिए यहाँ पर जितने वैकेंसी दिए गए उतना भी फॉर्म फिल नहीं हुआ है। तो एक तरफ से मानिए आप सभी के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है कि FTET 6 महीने के अंदर फिर से सरकार करवाएगी, तो हो सकता है इसका सितंबर या अक्टूबर में BSEB द्वारा नोटिफिकेशन भी निकाल दिया जाए, इसमें अदर स्टेट वाले को भी मौका दिया जाएगा। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।